बिजनेस क्लास में चलना कोई अपराध है क्या? अगर अरविंद केजरीवाल को कोई बुला रहा है, दुबई में बुला रहा है, अमेरिका में बुला रहा है, और वो बिजनेस क्लास का टिकट देके बुला रहा है, एक संस्था उनको सम्मानित कर रही है, तो इसमें कौन सा अपराध हो गया? बहुत सारे चैनल वाले जब मुझे अपने प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं तो बड़ी गाड़ी में बुलाते हैं, मैं तो सामान्य जिंदगी में छोटी गाड़ी में चलता हूँ, तो फिर वो कल वो कहेंगे बड़ी गाड़ी में अपराध हो गया। गलती चैनल वालों की जो मुझे बुलाते हैं बड़ी गाड़ी में बिठा के और कहेंगे मुझको, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो जबरदस्ती वाला इशू है। लेकिन आरोप ये लगाने की स्टैंड एक्सपोज हो गया, आम आदमी बड़े कहते हैं हम आम आदमी और बिजनेस क्लास में चल रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। ये कहाँ लिखा है कि आम आदमी बिजनेस क्लास में नहीं चलेगा? बिजनेस क्लास में फिर चोर लुटेरे डकैती चलेंगे, आम आदमी भी चल सकता है? सर साधु रंजन की आज रैली थी, होने वाली थी, उसको कैंसिल करवा दिया बीजेपी द्वारा। मैं आज सुबह अखबार में पढ़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 30 सांसद उतारने की तैयारी की है, तो पहले मैं अखबारों में पढ़ता था 300 सांसद उतारेंगे, अब आज पढ़ रहा हूँ कि 30 उतारने हैं। तो इसका मतलब साध्वी जी के प्रवचन के बाद लगता है कोई स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 270 लोग फेल हो गए। अभी तो देखिएगा कौन कौन फेल होता है, इनकी असलियत जैसे जैसे सामने आएगी ये सारे फेल होंगे। आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी कहने का डर गई आज? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गैर जिम्मेदार पार्टी है, उसके पास ना दिल्ली की बिजली की समस्याओं का कोई समाधान है, ना वो बिजली सस्ता करना चाहती है, झूठ बोलती है कि हम 30% सस्ती करेंगे, बिजली आज तक सस्ती नहीं की, पानी आज तक सस्ता नहीं किया, भ्रष्टाचार बंद नहीं कर पाए। आज दिल्ली का कौन सा ऐसा दफ्तर है जहां रिश्वतखोरी नहीं हो रही है? आम आदमी का जो भी काम होता है वहां रिश्वतखोरी हो रही है, लुट रहे हैं लोग, और भारतीय जनता पार्टी आराम से बैठी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के बस की कुछ है नहीं, सिर्फ भाषण देना और अच्छी अच्छी बातें करने से देश नहीं बदलेगा, उसके लिए कुछ कानून बदलने पड़ेंगे, कुछ करके दिखाना पड़ेगा।